अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1। आज का जो टॉपिक है वो 1.3 है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 जो है वो हमने देखी है। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिली, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। 1.3 का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले मैं उसको जो है वो आपके सामने बता दूं कि 1.3 में हमने सीखना क्या क्या। तो 1.3 में हमने सबसे पहले सीखना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आपस में कंफर्टेबल है एडिशन के लिए या सब्सट्रैक्शन के लिए। दो मैट्रिक्स हमें दी गई हैं, उन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कब कर सकते हैं, उनके लिए कंडीशन है, उसके लिए कुछ रूल है, वो हम सीखेंगे 1.3 के अंदर। या किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे 1.3 के अंदर। या मैट्रिक्स में डिफरेंट ऑपरेशंस प्लस माइनस के ऑपरेशन जो है वो एक ही क्वेश्चन के अंदर प्लस भी करना होगा माइनस भी करना होगा वो सीखेंगे। या फिर जो है वो हम किसी कॉन्स्टेंट के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं वो देखेंगे। तो 1.3 के अंदर जो है हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सिर्फ ये बताना है कि दो मैट्रिक्स कब कंफर्टेबल होती है फॉर एडिशन। तो दो मैट्रिक्स कब कंफर्टेबल होती है फॉर एडिशन, तो दो मैट्रिक्स तब कंफर्टेबल होती है जब एडिशन के लिए जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है। इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम, इफ बोथ मैट्रिक्स ऑर्डर इज सेम, अगर दो मैट्रिक्स का दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है, या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम ऑफ टू मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स का ए और बी, वो मुझे कहता है ए और बी को आपने क्या करना है प्लस करना है, तो वो तब पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ऑर्डर क्या कहते हैं, रोज और कॉलम की तादाद को, रोज और कॉलम की तादाद, अगर इसके अंदर जो रोज और कॉलम की तादाद है और बी के अंदर जो रोज और कॉलम की तादाद है अगर वो सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में एडिशन जो है वो उनकी पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि आपको ए जो है वो दिया गया है, अब वो मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि ए किसके साथ पॉसिबल है फॉर एडिशन। तो ए जो है वो आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो ई मैट्रिक्स के साथ आपके पास जो है वो पॉसिबल है फॉर एडिशन के लिए, क्योंकि ए का जो कॉलम, ए का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है और ई का भी जो ऑर्डर है वो 2/2 है। इसी तरह सी जो है वो आपके पास एफ के इक्वल है, क्योंकि सी का जो ऑर्डर है वो आपके पास 2/3 है, रोज इंटू कॉलम, रोज क्रॉस कॉलम, तो 3/2 है और एफ का भी जो है वो 3/2 है। तो इसी तरह जो बी है वो भी डी के जो है वो एडिशन के पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है बेसिकली एडिटिव इनवर्स जो है वो अपने फाइंड करना है। एक क्वेश्चन को मैं फाइंड कर देता हूँ, बाकी सिंपल एज इट इज सिंपल सवाल है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। बी पार जो है वो मुझे गिवन है, बी का जो है वो मैंने एडिटिव इनवर्स निकालना है 1, 2, 3, 0 -1, -2, -3, 3 और 1। बी मैट्रिक्स का जब एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो बेसिकली हमने 1.2 के अंदर सीखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव कैसे निकालते हैं। तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली नेगेटिव का नाम है कि अपने माइनस बी के साथ, मतलब -1 के साथ पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 1, 0, -1, 2, -1, 3, 3, -2 और 1। तो आपने जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो सेम आपको पता है कि आपके पास जो माइनस वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो माइनस हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1, -2, -3, 0, 1, 2, 1, -3, -1। 0 के साथ प्लस लगा दो माइनस लगा दो तो कोई वैल्यू जो है वो उसका कोई जो है वो इतना फायदा नहीं है, जो है वो लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर है, तो इसलिए 0 के साथ मैंने जो है वो साइन चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं। बाकी जिसके साथ साइन चेंज हो जाती है, जिसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव कर दिया, जिसका नेगेटिव था उसका पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब हमने उसका एडिटिव इनवर्स निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है, हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास गिवन है, उसके अंदर ए बी सी और डी की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है। ए की वैल्यू कुछ दी गई है, बी की वैल्यू कुछ दी गई थी, मैंने वहां पर बी और डी की वैल्यू जो आपको समझाने के लिए सिर्फ बी और डी की वैल्यू उठाई है कि बी की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है।
और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाया कि बी की वैल्यू उसको आपने कैसे जो है वो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर बी की वैल्यू को प्लस करना है माइनस टू और थ्री के अंदर और डी की वैल्यू को प्लस करना है आपने 010201 के अंदर। तो आपने बेसिकली जो है वो बी और डी की मैंने उठाई है, ए और सी की जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। तो बी प्लस मैट्रिक्स आप कैसे करेंगे सोल्व, दो मैट्रिक्स की एडिशन हमने पहले देखा कि किस तरह पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स की एडिशन अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो पॉसिबल है। तो इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2/1 और इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2/1, तो इस पॉसिबल इसकी एडिशन क्या पॉसिबल है। तो सिंपल हम लिखेंगे बी प्लस माइनस टू और थ्री, ये लिखा और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 और जो जिसके अंदर प्लस करनी है माइनस टू और थ्री। तो जब हम प्लस करेंगे तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो सामने जो वैल्यू जिस चीज के सामने जो एंटिटी जिस एंटिटी के सामने आपने उस एंटिटी में उसको प्लस कर देना है। तो जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 जो है वो आपके पास माइनस टू के सामने है, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 और माइनस 1 जो है वो आपके पास प्लस 3 के सामने है, तो आ जाएगा प्लस 3। तो जब आप इसे प्लस करेंगे इन दोनों को तो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 1 माइनस 2 और ये आ जाएगा आपके पास 2 पॉजिटिव। माइनस 1 और प्लस 3 तो आपके पास प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू साइन पॉजिटिव है, तो 3 में से 1 निकले आंसर आएगा 2, 1 में से माइनस 2 निकले तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है, माइनस प्लस माइनस इधर माइनस है और 1 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा आपके पास माइनस 2 में से 1 निकले आंसर आएगा आपके पास 1 और आ जाएगा 2। तो बी प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और 2। इसी तरह आपने डी के अंदर ये मैट्रिक्स प्लस करनी है, डी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास गिवन है, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन डी की जगह डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 0 2 प्लस आ जाएगा दरमियान में 0 1 0 2 0 1। इन दोनों को आपने प्लस करना है, तो सेम एज इट इज वही रूल आएगा कि जो वैल्यूज जहां जिस एंटिटी के सामने है उसको आपने प्लस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा यहां पर 1 plus 0 2 plus 1 3 plus 0 minus 1 plus 2 0 plus 0 2 plus 1। तो आफ्टर सॉल्विंग इसको सोल्व करने के बाद 1 plus 0 आपके पास क्या होता है 1 plus 0 is 1, 2 plus 1 is 3, 3 plus 0 is 3, minus 1 plus 2 में से माइनस 1 निकले तो आपके पास आता है पॉजिटिव 1, 0 plus 0 is 0, 2 plus 1 is 3। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप बाकी पार्ट जो है वो खुद देख लीजिएगा, ए और सी वाले पार्ट और बी और डी वाले पार्ट जो है वो एएलपी में 2021 की जो एएलपी में थे वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी ये जो है वो इसी तरह ही है। अगर आप करना चाहें फॉर प्रैक्टिस तो आप कर लीजिएगा। हाँ जी, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1.3 का हमें ये गिवन है, उसने बोला कि आपने परफॉर्म करने है इंडिकेट ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन यहाँ पर दिए गए हैं आपने उनको परफॉर्म करना है। तो हम सबसे पहले देख रहे थे हमें ऑपरेशन कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन कहते हैं प्लस और माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन को, तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन दिए गए हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो मेन थिंग इज दैट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने कौन सा ऑपरेशन जो है सबसे पहले परफॉर्म करना है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ई मैथ्स रूल क्या है कि आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ आएगी, उसके बाद डिवीजन आएगी, फिर मल्टीप्लीकेशन आएगी, फिर एडिशन आएगी, फिर सब्सट्रैक्शन आएगी। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ई मैथ्स रूल आपको पता है कि सबसे पहले अपने ब्रैकेट ऑफ को सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर कौन सा सिंबल है माइनस का, सबसे पहले आपने इसको सोल्व करना है। तो जब आपने इसको सोल्व करना है तो 2 3 1 रिमेन सेम, आप इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस का सिंबल भी एज इट इज लिख देंगे
और ब्रैकेट को जब आप सॉल्व कर देंगे तो ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस करने का भी वही तरीका है जो हमने पीछे देखा, जो प्लस करने का तरीका है कि जो एंटिटीज के साथ जो एंटिटी सेम है उनके दरमियान प्लस लगा दो, तो जो एंटिटीज के साथ जो एंटिटी सेम है उनके साथ आप माइनस लगा दो। तो यहां पर पहली एंटिटी वन है, यहाँ पे पहली एंटिटी टू है, तो इनके दरमियान क्या जाएगा माइनस, यहाँ पे दूसरी एंटिटी जीरो और दूसरी एंटिटी टू है, तो यहाँ इनके दरमियान क्या जाएगा माइनस, तीसरी एंटिटी यहाँ पे टू है और यहाँ पर भी टू है, इनके दरमियान क्या जाएगा माइनस। तो ये हमने इनकी मल्टीपी जो है वो सब्सट्रैक्शन मालूम कर ली, टू थ्री वन एज इट इज लिख देंगे, प्लस वन माइनस टू, बड़ी वाली का साइन माइनस का, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि वन के साथ जो है पॉजिटिव साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, टू में से वन निकले आंसर आएगा वन, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वाली का साइन माइनस का, तो टू में से जीरो निकले आंसर आएगा टू, टू माइनस टू दोनों जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपस में कट जाती है, तो इट्स जीरो। अब दोनों का जो है वो ऑपरेशन आ गया प्लस का, तो प्लस का ऑपरेशन जो है वो हमने सोल्व करना है, तो प्लस के ऑपरेशन को सोल्व करते वही रूल आएगा कि जो एंटिटीज के साथ जो एंटिटीज है उसके दरमियान में प्लस लिख दो, तो टू यहां पर पहली एंटिटी और यहां पर माइनस वन, तो इनके दरमियान आ जाएगा प्लस, टू और माइनस वन के दरमियान क्या आ गया प्लस। इसी तरह थ्री दूसरी एंटिटी है और यहां पर दूसरी एंटिटी क्या है माइनस टू, तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा प्लस, वन प्लस जीरो, तो टू प्लस माइनस माइनस, टू माइनस वन आपके पास आता है वन, थ्री प्लस माइनस माइनस, तो थ्री माइनस टू आपके पास आता है वन, वन प्लस जीरो आपके पास आता है वन, तो जो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आफ्टर मल्टीप्लाई का आफ्टर सब्सट्रैक्शन और एडिशन आपके पास आता है परफॉर्म इंडिकेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो कुछ ये है। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर फोर के आगे दो पार्ट हैं, ये जो 2021 एएलपी के अंदर है उसका एक पार्ट जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर फोर, और जो उसका अगला पार्ट है वो आप खुद एज अ प्रैक्टिस के तौर पर कर लीजिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो करवा दूंगा। हाँ जी, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर का जो फोर पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर फोर का सिक्स पार्ट जो है वो एएलपी के अंदर शामिल है, इंक्लूड है, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसके अंदर आपको दिया गया था ऑपरेशन जो है वो आपने परफॉर्म करने थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो देख लिया था, क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास पार्ट नंबर फोर उसका वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन और टू, प्लस करना है आपने इनको वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, इसके साथ आपने प्लस करना है। इंडिकेट ऑपरेशन जो है वो आप सबसे पहले देखें कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है, तो इन सबको जो है वो आप प्लस कर लो। हम लोगों ने प्लस माइनस करना पहले सीखा कि सेम एंटिटीज जहां पे एंटिटी मौजूद है उसी जगह पे दूसरे दूसरी मैट्रिक्स में उसी जगह पे उस एंटिटी के साथ आपने प्लस लगा लेना, तो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए यहाँ पे वन है, यहां पर भी वन है, तो यहां पर आ जाएगा वन प्लस वन, सेकेंड में टू है, यहां पर वन है, तो आ जाएगा टू प्लस वन, थ्री प्लस वन, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, जीरो प्लस थ्री, वन प्लस थ्री, टू प्लस थ्री, सबको जो है वो हमने ऑपरेशन जो है वो सबके उनके साथ लगा दिए, तो वन प्लस वन होता है आपके पास टू, टू प्लस वन होता है आपके पास थ्री, थ्री प्लस वन होता है आपके पास फोर, माइनस वन प्लस टू आपके पास होता है वन, माइनस वन प्लस टू आपके पास होता है वन, माइनस वन प्लस टू आपके पास होता है वन, जीरो प्लस थ्री आपके पास आ जाएगा थ्री, वन प्लस थ्री आपके पास आ जाएगा फोर, टू प्लस थ्री आपके पास आ जाएगा फाइव, तो ये जो है वो आपके पास आफ्टर सॉल्विंग जो है वो कुछ आंसर आ जाएगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, आपके पास टू थ्री फोर वन 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 थ्री फोर फाइव जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर फोर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर सिक्स जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, एज अ प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में जो है वो कुछ ए बी सी की वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है, और आपने कुछ इंडिकेट परफॉर्म जो है वो ऑपरेशन तो परफॉर्म करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने
वेरीफाई भी करना है कि जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट 1 के अंदर ए बी सी जो है वो आपको वैल्यूज गिवन है। ए की वैल्यू मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी गई है, 2 बी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको आपने वेरीफाई करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर काम किया था ऑपरेशंस परफॉर्म करके लेकिन आप वेरीफाई नहीं करते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने वेरीफाई भी करना है। तो सिंपल इसका एक पार्ट 1 है जो मैं आपको करवा देता हूँ। उसमें आपने ए प्लस सी जो है वो सी प्लस ई के इक्वल होता है, आपने इसको वेरीफाई करना है। तो हम लोग जो है वो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक साइड ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं और दूसरी साइड उसके बाद सोल्व करेंगे ताकि देखेंगे दोनों साइड का आंसर आपस में इक्वल है या नहीं है। तो ए प्लस सी ले लेते हैं बाय टेकिंग एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू आपके पास गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। तो ए प्लस सी इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसको प्लस करना है अपने सी के साथ, सी की वैल्यू भी गिवन है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए वही रूल है कि जो जिसके साथ लिखा हुआ है आपने उसके साथ उसको उसके सामने प्लस का सिंबल लगा देना है। जैसे 1 यहाँ पर और यहाँ पे -1 अभी आ जाएगा, 1 प्लस -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस -2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2। तो आप उधर जाएगा 1 प्लस -1 तो 1 -1 हो जाएगा, तो 1 -1 दोनों उसका आंसर आता है 0। 2 प्लस 0 का आंसर आपको पता जाएगा 2 0 2। 3 प्लस 0 का आंसर आ जाएगा आपके पास 3। 2 प्लस 0 का फिर अगेन 2। 3 -2 का आपके पास आंसर आ जाएगा 1। 1 प्लस 3 का आंसर आ जाएगा 4। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। -1 प्लस 1 आपस में कट जाएंगे 0 और 0 प्लस 2 आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो ए प्लस सी विच इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए नंबर 1 अगर कह रहे हैं, तो राइट हैंड साइड को अगर हम सोल्व करें, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास सी प्लस ए है, सी प्लस ए इसी के उलट है। तो सी प्लस ए जो है अगर हम उसको सोल्व करें तो इस साइड पे अगर मैं लिख दूं बाय टेकिंग आर एच एस राइट हैंड साइड विच इज सी प्लस ए, सी प्लस ए सी है आपके पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और ए है आपके पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। उसी तरह करेंगे आप बताइएगा 1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लus 2 -2 plus 3 3 plus 1 1 plus 1 1 minus 1 2 plus 0। तो 1 plus 1 ये आपस में काट जाएंगे आपको बता देगा 0। 0 plus 2 होता है 2, 0 plus 3 होता है 3, 0 plus 2 होता है 2, -2 plus 3 होता है 1, 3 plus 1 4, 1 plus 1 is equal to 2, 1 minus 1 आपस में काट जाएंगे 0, 2 plus 0 equal to 2। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 का आंसर है 0 2 3 2 1 4 2 0 2 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है 0 2 3 2 1 4 2 0 2। देखिए दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है, तो विच इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो एल एच एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे प्रूव हो गया। हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बस हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ये भी लिख दें। तो क्योंकि शोर में अगर लॉन्ग में तो आ सकता तो इतना लिखने जो है वो काफी है।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आप खुद देख लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और बाकी क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 जो है हमारे पास है 2a + 2b = 2 into a + b। तो ये कुछ ऑपरेशन जो है हमने परफॉर्म करना है और हमने बताना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स रूल या बोर्ड इमेज रूल, सबसे पहले हमें जो है वो ब्रैकेट वाली साइड जो है वो सॉल्व करनी पड़ती है। अब उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम LHS को पहले सॉल्व करें या RHS को सॉल्व करें। ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैं जो है सबसे पहले आप सिस्टम RHS उठा रहा हूं। तो RHS को अगर हम लें तो RHS विच इज इक्वल टू 2 into a + b, टू ब्रैकेट लगेगी वैसे ए की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, दरमियान में आएगा प्लस, बी की जगह बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। सबसे पहले जो है वो हम लोग ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, तो 1 + 1 2 -1 3 + 1। ये माइनस वन कैसे आएगा, 3 + -1 तो माइनस वन होता, तो मैंने डायरेक्ट 2 - 3 - 1 लिख लिया, 2 - 1 लिख लिया, सॉरी 2 + 2 3 - 2 और 1 - 1 + 2। माइनस टू माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस होना था, तो मैंने डायरेक्ट माइनस लिख लिया 1 + 3 - 1 + 1 0 + 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 = 2 2 - 1 = 1 3 + 1 = 4 2 + 2 = 4 1 + 3 = 4 3 - 2 = 1 1 + 1 + -1 और माइनस वन का और प्लस वन, माइनस का वन और प्लस का वन दोनों को उसमें काट जाएंगे तो आ जाएगा 0। 1 + 2 = 3 और 3 + 0 = 3। तो ये आपके पास अभी क्वेश्चन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सोल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास कुछ ये आ जाएगी, LHS = 2a + 2b। तो 2a हमारे पास, सबसे पहले हम 2a को फाइंड कर लें क्योंकि हमारे पास a तो मौजूद है लेकिन 2a मौजूद नहीं है। तो 2a को फाइंड करने के लिए अगर आप a के साथ 2 लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहे हैं तो पूरी मैट्रिक्स के साथ आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस सब ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2 ब्रैकेट के हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, 2 को 3 के साथ आएगा 6, 2 को 2 के साथ 4, 2 को 3 के साथ 6, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 क्योंकि -1 है, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0। तो ये आपके पास 2a मालूम हो जाएगा और 2b भी इसी तरह मालूम करेंगे, 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या 1 - 1 और 1, 2 - 2 और 2 3 1 और 3। तो 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा -2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया 2, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराया -2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया 4, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया 4 माइनस का, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया 4, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया 6, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया 2, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया 6। तो आपके पास 2a और 2b की वैल्यू निकल चुकी है। अब आप इसको इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर दें तो आपके पास जो है वो गिवन LHS का आंसर आएगा 2a + 2b। इनको जो है वो आपस में आप सोल्व कर लें तो आपके पास आएगा 2 4 6 2
सॉरी यहां से जो है वो मैं इस साइड पे लिख रहा हूं, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 4 6 4 6 2 4 6 2 4 6 2 और 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 और 0 और प्लस b जो है वो आपके पास है 2 माइनस 2 2 4 माइनस 4 और 4 6 2 और 6। यहां पर थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है कि हमने 2 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो 2 को जो है वो यहां पर मल्टीप्लाई भी करवाना था। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0, 2 3 जार 6। तो ये जो है वो कई नंबर 1 आती है हमारे पास। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 2 6 प्लस 2 4 प्लस 4 6 माइनस 4 और 2 प्लस 4 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 और 0 प्लस 6। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 और 8 2 6 और फिर 2 प्लस 6 जो है वो आपके पास आ जाएगा 8, फिर आपके पास आ जाएगा 0 क्योंकि दोनों आप उसमें कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 0। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो देखें 4 2 8 8 2 6 8 0 6 4 2 8 8 2 6 8 0 6 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपस में इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस LHS इक्वल टू RHS। इसी तरह 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बाकी पार्ट जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, सेम एज इट इज है, कोई चीज जो है वो मुश्किल नहीं है। अगर आपको ना करना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी जो है आपको लेक्चर सुना दूंगा इंशाल्लाह।